नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फेयर कंपेयर चैनल पर। आज के इस वीडियो में इन दोनों फोनों का यानी कि Realme 9i और Vivo T1 5G का कैमरा कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं। कुछ फोटोज में लेकर के आया हूं बाहर से जो कि आपको इन दोनों के कैमरे की सच्चाई बताएगी। लेकिन उससे पहले चाहूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा स्पेसिफिकेशन प्लस फोटो वीडियो सब कुछ दिखाऊंगा, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों फोन्स को चालू कर लेता हूं और होम स्क्रीन पर ले आता हूं और आप लोगों को इनके बारे में जानकारी दे देता हूं। कैमरा दोनों ही फोन्स में, अगर बैक कैमरे की बात करेंगे तो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। दोनों के अंदर आपको एक मेन कैमरा लेंस मिलेगा, एक डेप्थ कैमरा लेंस मिलेगा और एक सेंसर मिलेगा आपको मैक्रो वाला। तो और दोनों की स्पेसिफिकेशन भी लगभग सेम है कि 50 MP का कैमरा आपको मेन मिल जाता है दोनों में, f/1.8 इसका अपर्चर मिल जाता है दोनों में। और जो सेकंड और थर्ड कैमरा है वो 2-2 MP के आपको मिलते हैं डेप्थ और मैक्रो लेंस। दोनों में ही अपर्चर जो है f/2.4 तक जाता है, ठीक है। साथ में आपको मिल जाता है LED फ्लैश। और सामने की तरफ देखेंगे तो Realme 9i के अंदर आपको एक पंच होल कैमरा लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे मिल जाता है जो कि 16 MP का है, और सेम 16 MP का फ्रंट कैमरा आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिल जाता है Vivo T1 में, T1 5G में। 5G बोलना जरूरी है क्योंकि इस बजट में 5G फोन है ये, जो आमतौर पर आम बात नहीं है, नहीं होती ऐसी आम बात आमतौर पर। तो ये है कैमरा स्पेसिफिकेशन, मैंने बता दिया। फटाफट फोटोज पे चलते हैं ना, तो दोनों फोन की मैं गैलरी ओपन करता हूँ। तो यार दोस्तों, सबसे पहले आती है बात वीडियोग्राफी की, क्योंकि मैंने वहां से शुरू किया तो मैं वहीं से बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं, दोनों ही फोन्स की जो कैपेबिलिटी है वो 1080p में ये लोग 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। Realme जो है 1080p में 30 FPS तक ही शूट कर सकता है, और Vivo T1 जो है वो 60 FPS तक भी जा सकता है। फिलहाल जो आपके सामने फुटेज चल रही है ये फुटेज है 1080p 30 FPS की। आप देख सकते हो स्टेबलाइजेशन वगैरह कैसा है, दोनों कितने ज्यादा हिल रहे हैं। कलर आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा कूल कलर बनाता है Vivo, जबकि Realme जो है थोड़ा सा कलर को गर्म कर देता है, थोड़ा सा वार्म कलर यहाँ पर कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पंची नजर आ रहा है। हालांकि आप इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल कैमरा आप क्वालिटी देख सकते हैं। और स्टेबलाइजेशन देखिए कितना ज्यादा शेकी इमेज आ रहा है दोनों में से। मुझे लगभग बराबर सा शेक है, लेकिन इसमें स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा ठीक लग रहा है इसमें, यानी कि Vivo में, ये Vivo वाला फोन है ना, तो ये आपको नजर आ रहा होगा। सेम फुटेज लेने की कोशिश करी ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए, ये मत समझिएगा कि एक कैमरे से लेकर के दोनों में बता दिया। अभी अगली बात करें तो इस फोन में अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें तो कोई ऐसा अवेलेबल ऑप्शन था ही नहीं जो 60 FPS में कर सके, तो ये 30 FPS ही रहे। लेकिन 60 FPS यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, वो आप देख सकते हो अभी आपको शेकी लग रहा है क्योंकि 60 FPS थोड़े से ज्यादा कैप्चर करता है फोटोज इस वजह से, तो ये आप देख सकते हो मोमेंट ज्यादा कैप्चर होते हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा शेकी लग रहा है, लेकिन 60 FPS ही कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है ना, ये भी आप देख लो। अभी एक पैन करने की कोशिश मैंने की थी यहाँ पर, वो आपको दिखाता हूँ कि पैन किस तरीके से हो जाता है इन दोनों फोन्स में, ये आप देख सकते हो। तो ये 60 FPS में पैन हो रहा है तो वो आपको नजर आएगा, और ये 30 FPS में ही पैन हो रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कलर्स जो है थोड़े से अलग है, यहाँ पर थोड़ा कूल कलर दिखाए गए हैं, यहाँ पर थोड़े वार्म कर दिया गया है इमेज को। अब आते हैं यार इसके कैमरे की फोटोज पर। थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है थोड़ा सा दोनों फोन्स का कमजोर है, बट हाँ फोटोज आप देख सकते हैं कि दोनों में अच्छा कैप्चर किया गया है, डिटेल्स वगैरह सब कुछ क्लियर सी दिख जाएंगी है ना। लेकिन जब बात करते हैं एडजस्टमेंट की कि भाई कलर वगैरह कैसे किया, डायनेमिक रेंज की, तो आप बताइएगा आपको दोनों में से कौन सी पसंद आ रही है। मेरे हिसाब से मुझे Vivo के ही कलर थोड़े ज़्यादा पंची नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर वार्म रखने की कोशिश है, यहाँ पर कूल वो फोटोज़ में भी दिखाई देता है। और अगर थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो आप ये चीज़ें देख सकते हो कि ये जो पक्षी थे यहाँ पर थोड़े से हिल से गए हैं, लेकिन Vivo ने यहाँ पर जो है पक्षियों को अच्छे तरीके से कैप्चर किया है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, वायर वगैरह क्लीन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब इन दोनों फोन्स में जो है पैनारोमा शॉट वाला भी सीन था, तो मैं आपको पैनारोमा यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से कैप्चर किया है इन्होंने। तो ये आप देख रहे हो पैनारोमा दोनों ही फोन्स में, तो ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा ये थोड़ा छोटा पैनल लिया था मैंने, ये थोड़ा बड़ा लिया था, तो आप देख सकते हो किस तरीके से कैप्चर किया है। अगर हम जूम करते हैं है ना, तो डिटेल्स वगैरह सब कुछ सही से लगती है। नीचे की तरफ से भी आप देख सकते हैं कि Realme ने जो है अच्छे से पैन किया है, चीज़ें ज़्यादा कटपिट नहीं की हैं, जबकि आपको इसमें दिखाई देगा कि यहाँ पर भी जो पैन ठीक ठाक सा है, बट सेम टाइम पर फोटो लेने के बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि Vivo ने ये बंदे को, ये बच्चे को यहाँ से काट दिया और इसने नहीं काटा है, तो वो पता नहीं इनके AI का क्या सीन है, बट ये चीज़ नोटिस आप कर पा रहे होंगे किस तरीके से चीज़ हुई है। तो एक ही समय पर पैन लेने से ये चीज़
हमने यहाँ पर देखी है ना, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज के मामले में AI किसका बेटर है आप बताइएगा। बात आती है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड की। अब आप जब भी कैमरा ले रहे हैं आज के समय में तो डेप्थ सेंसर वाला कैमरा ले रहे हैं ताकि पोर्ट्रेट मोड की फोटोग्राफी काफी अच्छी हो, आपकी जो पोर्ट्रेट्स हैं वो बहुत अच्छे आए। तो उसके लिए आप ये दोनों फोन्स में कंपैरिजन देख रहे हैं और ये देखिए कि दोनों ही फोन्स में आपको पोर्ट्रेट मोड की मैंने आप यहाँ पर फोटो ली है और सेम जगह पर फोटो ली है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। इस वाले फोन ने क्या किया है कि फोरग्राउंड को क्लियर रखने की कोशिश करी है, थोड़ा सा लाइट बढ़ा दिया है और कलर वाइब्रेशन अच्छे रखे हैं, पीछे की तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लर करने की कोशिश की है ताकि ये जो है इफेक्ट आपको नजर आए। और इस फोन में आप देखेंगे कि यहां पर क्या किया गया है कि जो है ब्राइटनेस नहीं बढ़ाई है, ब्राइटनेस जो है सही जगह पर है अपने, क्लैरिटी काफी अच्छी यहां पर आई है, देख सकते हो है ना, क्लैरिटी वगैरह काफी अच्छी यहां पर आई है। पीछे जो है ब्लर उतना ज्यादा तगड़ा नहीं किया है लेकिन डेप्थ आपको तब भी नजर आ रही है फोटो में, आप दोनों के कंपैरिजन में देख सकते हो। इसका पोर्ट्रेट मोड ये है, इसका वीवो का पोर्ट्रेट मोड ये वाला है, इतना ज्यादा यहाँ पर जो है ब्लर में चेंजेस है, उसके बाद भी डेप्थ नजर आ रही है। इवन आप देख सकते हैं कि पीछे का जो ब्लर है, इस वाले फोन में आप पीछे का बोर्ड पढ़ भी नहीं सकते हैं, और इस वाले के अंदर आप पीछे का बोर्ड का हेडिंग कम से कम पढ़ सक रहे हैं कि वहां पर तुलसी लिखा हुआ है। तो ये यहां पर जो है मुझे नजर आया, जो कि एक अच्छी चीज भी है। पीछे देख सकते हैं आप कितना अच्छा डेप्थ नजर आ रहा है, इस वाले में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये पोर्ट्रेट मोड का कंपैरिजन हो गया। अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अभी ये मैंने दोस्तों इन दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल के साथ फोटो खींची है। आप सभी को बताया था मैंने कि यार 50 MP कैमरा है इनके अंदर। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज आपको देखने मिलेगा। आप देख रहे हैं थोड़ा अलग अलग मोमेंट पर फोटो ली गई है, लेकिन मैंने ही ली है दोनों, और मुझे इतना स्टेबल रहना तो आता है कि यार मैं अच्छी फोटो ले सकूं। तो आप देखेंगे जब आप जूम कर रहे हैं, अभी तक तो आपको फोटो सिंपल सी लग रही होगी, कुछ नजर अलग नहीं आ रहा होगा, और इस वाले में थोड़ा सा डार्कनेस ज्यादा लग रही होगी जबकि इसमें नहीं लग रही है, ये थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है। बट जब हम इस तरीके से जूम करते हैं ना, जब जूम करके लेकर आते हैं और इस बोर्ड को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड मैंने फोकस में रखा ताकि आपको दिखा सकूं, तो आप ये देखते हैं कि ये इसमें इस वाले फोन में Realme 9i में जो है बोर्ड पूरा का पूरा मिट जाता है, पूरा का पूरा क्लीन हो गया, कुछ पढ़ नहीं सकते हैं आप यहाँ पर, सिर्फ वो बड़ी सी हेडिंग पढ़ सकते हैं ODMT टेनिस लिखा हुआ है। जबकि इस वाले में आप देखेंगे तो बोर्ड एकदम क्लियर आया है, ऊपर जो हेडिंग दी है महाराष्ट्र पुलिस टेनिस जिमखाना वो भी दिख रहा है, नीचे ODMT टेनिस भी दिख रहा है, और नीचे जो छोटी छोटी लाइंस दी है जो इसमें बिल्कुल बड़े, जिसको पढ़ पाना बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे एक कुछ चीजें नजर आई जो कि वीवो में ज्यादा अच्छी थी। इवन मुझे इसका पोर्ट्रेट ज्यादा पसंद आया, इसका 50 MP कैमरा भी ज्यादा पसंद आया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ही में मैंने जो है लैंडस्केप मोड में भी फोटो खींचने की कोशिश करी, मुझे लगा शायद इसमें कुछ चेंजेस मिले, बट यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला ब्लर ही है और वीवो T1 ने पूरा क्लीन इमेज यहां पर निकाला जिसमें आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। तो डिटेलिंग के मामले में यार वीवो T1 कहीं पर भी आगे आ जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो है आप ये इसको 50 MP ना समझिए, इसको समझिए आप कि जूम क्या है। वीवो T1 8x जूम तक जाता है जबकि Realme 9i 10x जूम तक जाता है। दोनों के जूम में आप अंतर भी देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, उसके बावजूद भी क्लियरर इमेज जो है किसकी है आप देख सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पर है। अब दोनों ही फोन ने जो है चीजें मिटा दी है, पढ़ नहीं सकते हैं आप अच्छे से, बट फिर भी क्लैरिटी आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा किया गया है, बट यहाँ पर जो है ब्राइटनेस को ही बढ़ावा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे की फुटेज देखते हैं। ये दोस्तों मैंने कोशिश करी कि फोटो मोड और पोर्ट्रेट मोड कितने ही डिफरेंट हैं, तो फोटो मोड में दोनों फोन से फोटो खींची है, वो आप देख सकते हो। जब हम क्लोज शॉट लेने की कोशिश करते हैं किसी चीज की, बोके क्रिएट करने की कोशिश करते हैं फोटो मोड में, तो इस तरीके से फोटो आता है। यहां पर आपको दिख रहा है कलर ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं Realme 9i में, और जो है क्लैरिटी भी ज्यादा अच्छी बनी हुई है। जब मैं बहुत ज्यादा क्लोज आता हूँ तो क्लैरिटी मुझे मिल जाती है, और पीछे का ब्लर भी काफी अच्छा सा हो जाता है। जबकि वीवो, जब मैं वीवो T1 में जा रहा हूँ तो यहाँ पर जो है उतना ज्यादा क्लियर मुझे नहीं नजर आ रहा है, कहीं पर बहुत कम जगह क्लैरिटी मिल रही है, ब्लर वगैरह जो है दोनों के सिमिलर से नजर आ रहे हैं। बट एक खास बात आपको नजर आएगी पोर्ट्रेट मोड में, जब मैंने सेम चीज पोर्ट्रेट मोड से शूट करने की कोशिश करी, तो इस वाले में आप देखेंगे डार्क करने की कोशिश करें, यहाँ के अलावा यहाँ पर डार्क करने की कोशिश की गई है, पीछे का ब्लर काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है जो कि अच्छा दिख रहा है। आप सेम वीवो में देखेंगे तो मैंने 2 से 3 बार ये फोटो लेने की कोशिश करी, लेकिन आप देख रहे हैं ये तो अच्छा खासा फोकस्ड है, बट जब ब्लर देखेंगे पीछे का तो ये समझ नहीं पाया शायद फोन का AI, और पूरा पीछे का जो इमेज है उसको खराब कर दिया, बैकग्राउंड को पूरा तरीके से खराब कर दिया, कुछ इस तरीके से लेयर्स आपको देखने मिल रहे हैं जो कि मुझे खासे पसंद नहीं आए, और ये सिंपल मोड की फोटो है।
फ्रंट कैमरा जो है 16 एमपी का है, जिसमें 2.0 f/2.0 का अपर्चर मिल जाता है, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके की फोटो मिल जाएगी। आप दोनों में अंतर देख सकते हो। यहाँ पर जो है कलर चेंज करने की कोशिश नहीं की गई है, स्किन टोन को सेम रखा गया, उसको मैनेज किया गया है, और कुछ भी मतलब पाउडर वाउडर लगाने की कोशिश नहीं की है। रियलमी ने साफ साफ जो है स्किन टोन को चेंज ही कर दिया है। आप देख सकते हो दोनों ही इसमें स्किन टोन को काफी हद तक चेंज कर दिया गया है। रियलमी में थोड़ा ब्राइट मुझे कर दिया गया है। अब अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ, पोर्ट्रेट मोड की तरफ बढ़ता हूँ, तो आपको ये पोर्ट्रेट मोड में नजर आएगा कि यहाँ पर अभी भी मैं गोरा दिख रहा हूँ, और जब पीछे वाइट था तो मेरे बालों को थोड़े अच्छे तरीके से काट दिया, लेकिन जब पीछे ब्लैक आया तो कैमरा स्ट्रगल तो छोड़िए, इन्होंने बाल मेरे गायब ही कर दिए। अब अगर वीवो की बात करेंगे तो ये वाले इसमें भी आप देख रहे हैं डेप्थ, क्योंकि ब्लर उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं करता है वीवो, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छे तरीके से किया है जो भी किया। और यहाँ पर जब मैं पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेने की कोशिश कर रहा था तो बालों के पास से एकदम डेप्थ नज़र आ रही है, और छोटी छोटी चीज़ों का भी डिटेलिंग की है, पीछे अच्छा खासा ब्लर दिखाई दे रहा है, डेप्थ करने की कोशिश की। तो ये है दोस्तों इन दोनों ही फ़ोन्स में फ़र्क, इन दोनों ही फ़ोन्स के कैमरे में फ़र्क, यहीं तक मैं बता पाऊंगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कुछ अगर छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।